जो भी होता है अच्छे के लिए होता है सेल्वम। पॉलिटिक्स आसान चीज नहीं होती। तुम्हारी इलेक्शन हारने की वजह से मेरी सहेलियाँ मुझ पर हंस रही थीं। पॉलिटिक्स आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भैया। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी हार एक तरह से रामास्वामी की हार है। अपने खानदान पर कोई कलंक ना लगे इसीलिए मैंने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा करने की चाह ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मैं हर उस इंसान को नीचा दिखाना चाहता था जिसने मुझे जलीकट्टी सुनाई थी। पॉलिटिक्स में पैसों की अहमियत को मैं जान चुका था, इसीलिए मेरे दोस्त लाल ने मुझे भवानी से मिलवाया। हमने शहर के हर बिजनेसमैन से पैसे मांगने शुरू किए। जो पैसे नहीं देता हम उसका कत्ल कर देते। इलेक्शन लड़ने के लिए हमने बिजनेसमैन से 30 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। उसके बाद मैंने लाल को जानबूझकर चिन्ना से नजदीकियां बढ़ाने को कहा। अब मैं चिन्ना के करप्शन के सारे पैतरे अच्छे से जान गया हूँ। मैंने ठान लिया कि अब मैं मिनिस्टर बन के ही दम लूंगा। सुनिए सुनिए, आपका फोन। हेलो सेल्वम, जिस पुलिस वाले ने भवानी और उसके आदमी को मारा वो और कोई नहीं बल्कि जानता हूँ मेरा भाई है। अब हम क्या करें? उसे सिर्फ सब इंस्पेक्टर के मर्डर के बारे में पता है। कल वो त्रिची वापस जा रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रखता हूं। ठीक है। कई दिनों से लापता आरके ज्वेलरी के मालिक और न्यू पॉलिटन क्लब के चेयरमैन रत्नाकर जी की लाश को सुबह हाईवे पर बने ब्रिज के नीचे चटाई में लिपटा हुआ पाया गया। पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। आओ एसीपी जय, हमें लगा भवानी की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा सोचना गलत था। मेरा दोस्त उनका शिकार बन गया। सुनो जय सर, मैं चाहता हूं तुम इस केस को ऑफिशियली हैंडल करो। यस सर। तुमने बताया नहीं तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, सडन अपॉइंटमेंट। ओके ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाद में बात करती हूँ। ओके। आवर फर्स्ट मूव, शहर के टॉप बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करनी होगी। ये मीटिंग अरेंज कीजिए। मैं जयंत स्वामी हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस को अब मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों का डर ही उन लोगों की ताकत है। पिछले हफ्ते मिस्टर रत्नाकर के मर्डर के बाद हमने जाना कि भवानी के ऊपर कोई मास्टरमाइंड है। आई एम गेसिंग जल्द ही आप सबको धमकी भरे फोन आएंगे। डरने की जरूरत नहीं, प्लीज इन्फॉर्म मी। पुलिस को बताया था इसलिए रत्नाकर मारा गया। क्या गारंटी है कि हम नहीं मारे जाएंगे? आपको बचाने के लिए हमने अपना एसआई नहीं खोया? आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। हमारे पास उन्हें पकड़ने का एक ही जरिया है, आप लोग। आपके सपोर्ट के बिना हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हे सेल्वम, तूने बोला था तेरा भाई हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। वो तो हमारे पीछे पड़ गया, हम सब फंस जाएंगे। एक काम कर सेल्वम, सबसे पहले उसको ठोक। भाई ऐसा मत कीजिए भाई। ए, तू क्या बक रहा है भाई? एक मामूली एसआई को मारा तो पूरी पुलिस फोर्स हमारे खिलाफ हो गई। सोचो अगर एक एसीपी को मारेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है? रिस्क बहुत बड़ा है भाई। सुनिए, आते वक्त चिंटू के लिए केक लेते आइए। फोन दो। हाँ, लो। पापा से बात करो। पापा मेरे लिए केक लाओ ना। बेटा दोपहर को जब मैं घर आऊंगा तो लेते हुए आऊंगा, ठीक है ना? बाय बेटा। मेरी बात सुन सलम। सुन लाल, 6 महीने बाद इलेक्शन है, तब तक बिजनेसमैन से जितना माल वसूल सकते हैं वसूलेंगे। इससे पहले कि मेरे भाई को पता चले हम काम को खत्म कर देंगे। हाँ बोलिए। क्या सर, पुलिस मीटिंग करने जा रहे हैं? आप कौन? वही जिसने 5 बड़े बिजनेसमैन की लाशों को ब्रिज के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी से 2 करोड़ का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी लाश भी ब्रिज के नीचे सड़ते हुए मिलेगी। सर मेरी मानो तो इस बारे में पुलिस को बता दो। जरा ये सोचो, पुलिस मीटिंग से निकलते ही हमें उन बदमाशों का फोन आ गया। उनका कोई आदमी तो पुलिस में बैठा है। कहना क्या चाहते हो, हम क्या करें? फोन आते साथ हम अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथ में रख दे? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बताइए। इस शहर के बाहर मैं एक बड़े भाई को जानता हूँ, उसका नाम भी मदुराई के भवानी भाई जितना ही बड़ा है। अगर उससे मदद मांगे तो वो हमारा पीछा इनसे छुड़वा सकता है। सर उनकी तो जवान बेटियां हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? मुझे लगता है आपको पैसे दे देने चाहिए। रिस्क मत लीजिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए। जय। हाँ भैया। कहाँ जा रहा है? कुछ काम से जा रहा था। मैंने अपनी कार सर्विसिंग में दी है, मुझे जरा मार्केट तक छोड़ दो। हाँ, चलिए ना। हाँ माँ। तुम्हारे पापा की दवाइयां खत्म हो रही है, लौटते वक्त लेकर आ जाओगे? ठीक है माँ। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? एक बिजनेसमैन किडनैपिंग केस में पैसे की लेन देन होने वाली है, वही इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ।
बस बस यहीं मोड़ पर रोक दे, यहीं। चल जल्दी आना भैया। हे आदि। हाँ भाई। मेरे भाई का पीछा करो और मुझे खबर देते रहना। ठीक है भाई। आज की मीटिंग कैंसिल कर दे। क्यों, क्या हुआ? मेरे भाई को हवा लग गई है। इम्पॉसिबल, बिजनेसमैन ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बका होगा। एक नंबर का फट्टू है साला। ए तू कैंसिल कर। भाई। मेरे भाई ने मुझे खुद बताया कि उसे इसकी खबर मिल चुकी है। सर आज की मीटिंग कैंसिल करनी होगी। लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर कब मिलना होगा? फोन करके बताऊंगा। कहाँ है वो? रेसिडेंसी होटल, एक लड़की के साथ है। कहाँ? रेसिडेंसी? हाँ भाई। कहो तो वीडियो शूट कर लूँ। पागल है क्या? वापस आ। ठीक है भाई। काफी पहले तुमसे कहना चाहता था, सोचा बाद में बता दूंगा। क्या हुआ सेल्वम, तेरा भाई तुझे टोपी पहना के कहीं और चला गया? हाँ, लड़की से मिलने जा रहा है तो क्या मुझे सच बताएगा? ए, उस मनोज सेठ से कल की मीटिंग फिक्स कर ले। ठीक है भाई। खाली फोकट टेंशन दे दिया। गुंडा था तब आवारा कुत्ते जैसे छू छू भागो यहाँ से करती थी। जैसे ही पता चला पुलिस वाला है, फालतू पपी की तरह गले लगा लिया। ये कुत्ता पहले घाट का था, अब उसके घर का हो गया है। सौम्या, मैं मत कर ज्यादा फ्लर्ट, वरना दिमाग में भर जाएगी डर्ट और कुछ दिन बाद तेरा दिल हो जाएगा हर्ट। अगर कर दी तूने अपनी लिमिट क्रॉस तो कर दूंगा तुझे आउट ऑन अ फुल। बेचारे की थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। खोना दे तू अपना होश, बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ मैं तुझे, जरा ध्यान से सोच। सौम्या, सौम्या बोलो ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी, तुम बोल दो। जरा पास आओ ना। बिल भर दोगी ना? मैं पैसे नहीं लाया। सर सीधा चल और लेफ्ट ले। गाड़ी यहां से आगे निकल गई। वो आ रहा है भाई। राइट में जो पावर ग्रिड है जल्दी वहां पहुंच। पहुंच रहा हूं सर। हाँ बोल महेश। भाई कार क्रॉस कर गई। फोन रख। ठीक है। बाबू भाई, मनोज सेठ तुझे क्या लगा कोई कल का लौंडा तुझे धमका रहा है जिसका मुंह तू भाड़े के कुछ टट्टू लाके बंद कर देगा? नहीं सर। हाँ नहीं सर। तुझे क्या लगा भवानी के जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा? भवानी मेरा आदमी था, समझा? हे हाँ भाई। एक रोकड़ा तो पूरा है ना? हाँ।
मनोज सेठ। सर, तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। सर, मैं तुझे एक लिस्ट दूंगा, उसमें से हर एक बिजनेसमैन से तू दो खोखे लेगा और सीधा मुझे लाके देगा। तुझे हम कॉल करके बताएंगे कब और कहां आना है।